हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोफोर्ज शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो है 10% से ज्यादा की गिरावट के साथ आपको क्लोज हुआ है। एक शार्प गैप डाउन, उसके बाद रिकवरी जरूर करने की कोशिश किया, बट वन सेकेंड जो है स्टॉक में गिरावट हुआ। तो आखिर इतने बड़े गिरावट के पीछे का वजह क्या है और आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, न्यूज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जो कहां से ब्रोकरेजेस का क्या क्या कहना है, और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे जेंसार टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर भी। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। गोफोर्ज के शेयर में अगर देखेंगे 10% का एक शानदार गिरावट देखने को मिला। ये गिरावट किस वजह से हुआ? गोफोर्ज ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस किया, और रिजल्ट अनाउंस में अगर देखेंगे तो रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट आपको जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही था। हाँ, मार्जिन में जरूर जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस हुआ, मार्जिन जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं इम्प्रूव हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ वो हुआ आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के तरफ से शेयर का डाउनग्रेड करना, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म करना। रेटिंग जो अपडेट हुआ, अब जेफरीज ने अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस 4290। अब ये 4290 का टारगेट प्राइस तब दिया है जब उन्होंने पहले 7650 का टारगेट दिया हुआ था, वहां से 44% से भी ज्यादा का गिरावट। ये आपको है 4290। अब ये 4290 क्यों दिया गया है, उसके पीछे का वजह है जो 54% जो सिग्निटी में आपको इन्होंने अनाउंस किया है जो आपको स्टेक लेंगे, तो एक एग्रेसिव मूव मार्केट अभी ये सोच के चल रहा है जो ये काफी एग्रेसिव मूव हो जाता है। साथ ही साथ जो है आपको क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी नहीं सुधरा है, और इसी वजह से जो है यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अंडर परफॉर्म का रेटिंग आया है। साथ ही साथ अगर इनक्रेड की बात करेंगे तो इनक्रेड ने भी रिड्यूस का रेटिंग दिया है और 4431 का टारगेट दिया है। सिटी ने यहाँ पे सेल कॉल दिया है और 4550 का टारगेट दिया है। तो एक मेजर वजह ये था। दूसरा बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपको गोफोर्ज ने जो है 26% सिग्निटी टेक्नोलॉजी में लेने के लिए ओपन ऑफर को लॉन्च कर दिया है, और इस मूव को भी मार्केट जो है अभी के अकॉर्डिंग काफी एग्रेसिव मूव यहाँ पे मान रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे अगर क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखेंगे, 2358 करोड़ का कंपनी ने सेल किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 10% का जंप हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 296 करोड़ के कंपैरिजन में 386 करोड़ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे आपको 2% से इम्प्रूव हुआ है, लेकिन सिक्वेंशियली अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1% से रिडक्शन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करेंगे तो 294 के करोड़ के कंपैरिजन में 286 करोड़ का आया है। यहाँ पे जरूर आपको रिड्यूस हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ किया है, बट यहाँ पे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको रिड्यूस हुआ है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, तकरीबन जो है आपको 80% का जंप यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 117 करोड़ के कंपैरिजन में 229 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट जरूर पोस्ट किया है। 8000 के कंपैरिजन में जो है 9179 करोड़ का सेल्स है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 12-13% का ग्रोथ हम लोगों को सेल्स में दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हम लोगों को 11% का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे जो है हम लोगों को 10% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 12-13% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर तो यहाँ पे डेट जो है आपको इम्प्रूव हुआ, डेट जो है आपको बढ़ा है।
यहाँ पे रिजर्व्स भी बढ़ा है, 3,565 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास। फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे आपको इम्प्रूव हुआ है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे मिस कर रहा है। और साथ ही साथ जो सिग्निटी टेक में 54% का स्टेक लेना, ये एक एग्रेसिव मूव है, और इसकी वजह से जो है आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस को रिड्यूस किया और उसका सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। ये ब्रेकआउट हुआ था 6,000 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, बट उसके बाद स्टॉक ने ज्यादा मोमेंटम किया नहीं, और उसके बाद जो है स्टॉक में एक शानदार गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो अपने सभी सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन कर दिया है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट था ये तो आपको फेल हो चुका है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो नीचे की साइड में इमीडिएट सपोर्ट है, पहला सपोर्ट बनेगा 4,000 का लेवल, क्योंकि एक राउंड नंबर लेवल है, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको 3,500, 3,300 ये सभी सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर बात करेंगे इतने नीचे तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं, सपोज अगर आपने 6,000 के लेवल पे लिया, 6,500 के लेवल पे लिया, और फिर भी अभी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब जो है आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एसएल देना था तो आपको इन सभी लेवल्स पे ही एसएल देके निकल जाना चाहिए था। 5,500, 5,600 यही एक सपोर्ट जोन था जिसको कि जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे आपको एसएल देके निकल जाना चाहिए था, बट अगर अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रहा है, आईटी सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अनसर्टेनिटी यहाँ पे इम्प्रूव होगा, उसके बाद अनसर्टेनिटी जैसे जैसे आपको निकलेगा, उसके बाद जो है आपको मार्केट को जैसे ही ग्रोथ दिखना स्टार्ट होगा, वापस से स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट की भी अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट में हम लोगों को एक निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक निगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। इस मंथली चार्ट को अगर देखते हैं तो मंथली चार्ट पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो हो जाता है आपको 3,200, 3,300। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आपको एक जो है बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, स्टॉक 2,000 के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर जाता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर स्टॉक में जो है एक अच्छा बाउंस बैक भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी के लिए जो है थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, अगर आपने अभी तक वेट किया है तो थोड़ा सा और समय आपको देना चाहिए। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें, अगर आपके पास पोजीशन है तो एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरेज आपको तब करना चाहिए जब मार्केट में कोई टर्न अराउंड देखने को मिले या स्टॉक में कोई टर्न अराउंड देखने को मिला। अगर स्टॉक यहां से टर्न अराउंड नहीं होता है, आपका पोजीशन और नीचे जाता है और लॉस में जाता है, तो बेटर होगा वहां पे एवरेज नहीं करें। एवरेज हम लोग तभी करेंगे जब हम लोगों को कोई भी एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, क्योंकि तभी हम लोगों के प्रोबेबिलिटी हम लोगों के फेवर में होगा। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। इनकेस अगर आप खुद से ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ट्विटर पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जनसार टेक्नोलॉजी शेयर के ऊपर। जनसार टेक्नोलॉजी के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है और लगातार जो है स्टॉक आपको इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, रिट्रेसमेंट लिया, स्टॉक ने बना दिया एक कप एंड हैंडल पैटर्न। अब इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है। बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लेवल पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 660 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। क्यों बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा? क्योंकि हम लोगों को पता है कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट क्या होता है, कप का डेप्थ। यहाँ पे जो कप का डेप्थ है वो तकरीबन 450 पॉइंट का है, यानी कि स्टॉक जो है 1,000-1,100 के लेवल तक को टच कर सकता है। इस वजह से इस स्टॉक को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने जो है
वॉच लिस्ट में रखिए, इनकेस आप नहीं रख सकते हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़ जाइए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की साइड में आपको वेट करना है 800, 900, 1000, 1100, ये सभी हम लोगों का टारगेट होने वाला है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।